नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली इस चैनल पर स्पेशल पीटी एग्जाम 2023 के लिए क्लासेस होती हैं। सो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जियोग्राफी और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ये टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो UP SSC की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। और आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस चैनल पर डेली क्लासेस होती हैं स्पेशल पीटी एग्जाम 2023 के लिए, तो डेली आप लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। और पीटी 2023 का एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को होगा, तो आप लोग अब स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। बताइएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी रांची या डी हैदराबाद। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। गुड, आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर भी डालिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हैदराबाद। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद। मूसी नदी किनारे बसा है। एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाता है कि चार मीनार ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका राइट आंसर है, बहुत अच्छे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बताइएगा चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी दिल्ली या डी शिमला। क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेन्नई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो चमड़ा अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1948 में, 1948 में चमड़ा अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1948, 1948 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। आपको बताना है निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर तीन के लिए आंसर करिए। ए सचिन तेंदुलकर, बी कपिल देव, सी सुनील गावस्कर या डी युवराज सिंह। बहुत अच्छे, गुड, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है, वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, युवराज सिंह। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। बताइए कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित जसराज निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा, जो पंडित जसराज हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए साहित्य, बी संगीत, सी नृत्य या डी साइंस? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है पंडित जसराज किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संगीत। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लैट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बताइए लैट, इससे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैट एक धातु है, इसका जो एटमिक नंबर है कितना होता है? आप लोग याद रखिएगा, लैट का जो एटमिक नंबर है दोस्तों परमाणु संख्या 82 होती है। बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीवी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेड का जो रासायनिक प्रतीक है पीवी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको बताना है राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में। बताइएगा, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ए जापान, बी साउथ अफ्रीका, सी यूएसए या डी आयरलैंड? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साउथ अफ्रीका। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नागानंद किस शासक की रचना है? बताइएगा, इसके लेखक कौन है नागानंद के? बहुत अच्छे, ये दोस्तों संस्कृत नाटक है। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है नागानंद, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन ये किससे हार गए थे, तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों इनको पराजित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। आगे बढ़ते हैं, यस रत्नावली भी है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब आपको राजधानी बतानी है नामीबिया की, क्या है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन कंफर्म है राजधानी संबंधित पूछा जाएगा। बताइए नामीबिया की राजधानी क्या है? ए नैरोबी, बी विंडहॉक, सी डोडोमा या डी मॉस्को? बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विंडहॉक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है, नैरोबी केन्या की राजधानी है, डोडोमा तंजानिया की राजधानी है, मॉस्को रसिया की राजधानी है। तो आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा, इन चारों ऑप्शन से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विंड हॉक नामीबिया की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, ये सभी टॉप के क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन ना उसे कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है? बताइए जो 49वीं समांतर रेखा है ये किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है? ऑप्शन इस प्रकार है, यूएसए और कनाडा के बीच, भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, सी जर्मनी और फ्रांस के बीच या डी ब्राजील और चिली के बीच? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूएसए और कनाडा के बीच। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा रेखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित संशोधनों में से किसको भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित संशोधनों में से किसको भारत का लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 42वां संविधान संशोधन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था दोस्तों 1976 में, 1976 में हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बॉक्साइट किसका अयस्क है, बताइएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है, ए प्लेटिनम, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी या डी सोना। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन कभी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन, आपकी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको बताना है बॉक्साइट किसका अयस्क है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्यूमिनियम का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है तमिलनाडु में जलीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है, बताइए। जो तमिलनाडु में जलीकट्टू है ये किस त्योहार का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोंगल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, तमिलनाडु में जलीकट्टू पोंगल का एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है किस राज्य में केवल 4 जिले हैं, उनका नाम है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, बताइएगा। किस भारतीय राज्य में सिर्फ 4 जिले हैं, ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी झारखंड या डी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किस राज्य में केवल 4 जिले हैं, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सिक्किम में केवल 4 जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम की राजधानी आप लोग बताइएगा क्या होती है, बताइए सिक्किम की राजधानी क्या है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। गुड, यस दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम में भारत की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं। आपको बताना है उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है, ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश या डी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है उत्तर पश्चिम में भारत की जो सीमाएं हैं, सीमा किस देश के साथ लगी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाकिस्तान। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस बार भी सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। गुड, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बताना है, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, CaOH का होल ट्वाइस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, साइंस से संबंधित प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं,
आप क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बताइए पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ए उत्तराखंड, बी असम, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1906। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए 182 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 180 मीटर, 190 मीटर या 195 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आपको ऊंचाई बतानी है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग बताइए इसकी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 182 मीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। बताइए कतर की राजधानी का नाम क्या है। आपको बताना है कतर की कैपिटल का नाम क्या है, ए सिडनी, बी वाशिंगटन डीसी, सी दोहा या डी जेरूसलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोहा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कतर की राजधानी दोहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि कतर यह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कतर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइए रेड क्रॉस का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। ऑप्शन इस प्रकार है, न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन डीसी, सी जेनेवा या डी पेरिस। रेड क्रॉस का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जेनेवा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1863 में, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है यह स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन। आपको स्पेन की मुद्रा बतानी है, स्पेन की मुद्रा क्या है। ए पाउंड, बी वॉन, सी यूरो या डी फ्रैंक। स्पेन की मुद्रा बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्पेन की जो करेंसी या मुद्रा है ये यूरो है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। खेल से संबंधित प्रश्न है, आपको बताना है राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। बताइएगा राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जो राधा मोहन कप है यह किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पोलो। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए, आपको बताना है नाथूला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताइए नाथूला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी मणिपुर। आपको बताना है नाथूला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नाथूला दर्रा सिक्किम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। बताइए आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इस बार भी सभी ने राइट आंसर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आग जलाना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।